हाय फ्रेंड्स, दिस इज केडी शिवम। आज का वीडियो टाइटल है डिप्रेशन। आज की परिस्थिति जिस तरह चल रही है, लॉकडाउन के वजह से जो मार्केट पे इफेक्ट है, लोगों के माइंड पे जो इफेक्ट है, राइट, तो वो सिचुएशन देखकर मुझे लगा कि ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो से आप और हम मिलकर हमारे बहुत सारे दोस्तों को, फैमिली मेंबर्स को इस माहौल से बचा सकते हैं। सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द लास्ट। इफ यू लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। शेयर सो दैट इट रीचेस टू नंबर ऑफ पीपल एंड दे कैन कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। इस वीडियो के जरिए हम रेमेडीज बताएंगे, डिप्रेशन क्या होता है वो बताएंगे, डिप्रेशन से स्ट्रगल करके किस तरह बाहर आना चाहिए वो बताएंगे। तो प्लीज वॉच टिल द एंड, लेट्स स्टार्ट। सुबह के 10 बजे थे। एक छोटे से शहर में रमेश नामक युवक रहता था। बहुत मेहनतू और ईमानदार था, अपने फैमिली के साथ खुश रहता था। उसका एक छोटा सा बिजनेस था। अपने काम में बिजी रमेश, तब उसके मोबाइल की बैल बची और रमेश ने मोबाइल अटेंड किया और सामने से आवाज आया, सर दिस इज आलोक, आई एम कॉलिंग फ्रॉम SBI बैंक। एट प्रेजेंट बिकॉज ऑफ लॉकडाउन वी आर अंडरगोइंग सम अपग्रेडेशन प्रोसेस। वी आर ट्रांसफरिंग आवर डेटा फ्रॉम वन सर्वर टू अनदर। तो वी नीड योर सपोर्ट सर, एज यू आर अवर वैल्यूएबल कस्टमर। तो वी नीड योर 2 मिनट्स सर, कैन वी हैव इट, इज इट राइट टाइम सर। देखो दोस्तों, जब आप कोई काम में बिजी होते हो ना, तब अगर कोई रिंग बजती है या कोई आप फोन आप अटेंड करते हो, तो आपका माइंड उस कॉल को एनालाइज करता है। वो एनालाइज सिर्फ कीवर्ड्स पे एनालाइज करता है। यहां कीवर्ड्स क्या थे? SBI, आलोक, अपग्रेडेशन, सर्वर, वैल्यूएबल कस्टमर, ये सारे वर्ड्स हाईफाई थे। माइंड जज करता है कि ये कॉल अच्छा है, सही कॉल है, और रमेश ने एक्सेप्ट कर लिया एंड ही क्लिक्ड द लिंक सेंट बाय आलोक। उसने लिंक क्लिक किया और उसका अगला पल उसके सामने सब कुछ बदल गया। देखते ही देखते उसके मोबाइल से सारे अकाउंट स्वाइप होने लगे, उसके सारे बैलेंस नील होने लगे और थोड़ी देर में दोस्तों उसका लाखों रुपया चला गया। वो कुछ नहीं कर पाया, वो देखता रह गया। उसने साइबर क्राइम को फोन किया, उसने कंप्लेन रजिस्टर किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो स्तब्ध रह गया। उसका लास्ट बैलेंस 107 रुपीस। दोस्तों, दूसरे दिन उसका EMI था, लोन EMI 45,000। उसको किसी को रिटर्न करना था, लॉकडाउन का माहौल था, घर चलाना था और अभी वो नील बैलेंस में हो गया। थोड़ी देर के लिए तो स्तब्ध हो गया, जमीन पर बैठ गया, उसके सामने सब अंधेरा सा छा गया, लेकिन वो हार नहीं माना। उसने देखा कि ये माहौल मुझ पे हावी हो सकता है। वो तुरंत खड़ा हुआ, हंसा थोड़ी देर अपने आप पर। एक्चुअली उसको किसी ने बनाया है, लेकिन ये हंसा क्योंकि ये बन गया है। इसने वो लिंक पे क्लिक किया है, उसने अपना गलती एक्सेप्ट किया और वो खड़ा हुआ। उसने सबसे पहले अपने 3 क्लोज फ्रेंड्स को कॉल किया, उनसे सारी बातें शेयर की, उनका थोड़ा सजेशन लिया। फिर उसके बाद उसने फ़ोन रखा और अपने फैमिली मेंबर्स में जाके मिक्सअप हो गया। उनके साथ मिलके खाना खाया, उनके साथ बातें करता रहा और इस तरह वो डिप्रेशन नामक माहौल से बाहर निकल गया। सो दोस्तों, डिप्रेशन इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड। Depression has two ways, always two ways. One, either you struggle or either you surrender. अगर आप surrender करोगे तो end will be like Sushant Singh, और अगर आप struggle करोगे you will become another Ramesh. Ramesh opted for struggle and he came out from this
सर्कल कॉल्ड डिप्रेशन सर्कल। सो फ्रेंड्स, नाउ लेट्स सी व्हाट इज डिप्रेशन। ये डिप्रेशन क्या होता है, कैसे फॉर्म होता है और इसमें से बाहर निकलने के रेमेडीज क्या है, रास्ते क्या है, उपाय क्या है, तो देखते रहिएगा वीडियो लास्ट तक, कहीं मत जाइए क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लाभदायक रहेगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों यहां देखिए, ये है कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ये हमारे थॉट वेव्स हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि डिप्रेशन जो है, इट ऑलवेज क्रिएट्स फ्रॉम दी थॉट वेव्स। डिप्रेशन इज नथिंग बट अ कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ नेगेटिव थॉट्स, अ कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ नेगेटिव थॉट्स। अब ये कैसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ नेगेटिव थॉट्स बनता है वो हम बताएंगे। सबसे पहले ये छोटा सा सर्कल देखिए, ये जो सर्कल है इस तरह का वेव प्रोड्यूस होता है हमारे माइंड में जब भी हम हैप्पी या सैड होते हैं। लेट्स टेक वन एग्जांपल, जब आप मूवी देखने जाते हैं, आप देखिए जब आप मूवी से बाहर आते हैं तो आप कोई बच्चों को देखना, वो हीरो बना होगा, वो लास्ट फाइट को फॉलो करता होगा, किसी को किक मारता होगा, रन करता होगा, कोई ना कोई एक्शन को ट्राई करता होगा या तो उस डायलॉग को फॉलो करता होगा। ये बिकॉज उसका अनकॉन्शियस माइंड अभी भी उस मूवी से बाहर नहीं निकला, उसका जो अनकॉन्शियस माइंड में ये वाला सर्कल चल रहा है। नाउ दिस वे इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर एंड इट कीप्स ऑन रिवॉल्विंग, नाउ देन इट रिमेन्स ओपन। नाउ व्हाट इज दिस ओपन सर्कल? अब ये जो थॉट है ये ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे रहेगा, 3 घंटे रहेगा, घर जाके फैमिली मेंबर्स के साथ खाना खाते वक्त भूल जाएगा, या तो शाम को भूल जाएगा, दूसरे दिन भूल जाएगा, लेकिन ये ओपन मतलब इट कम्स टू ए एंड। देखिए अगर वैसे ही आप अपने दोस्तों के साथ पार्टी मनाते हो, आप अपने दोस्तों के साथ कहीं गेट टुगेदर करते हो, आप कोई अपने फैमिली फंक्शन में हो, ये सारा जो सिचुएशन है आपके माइंड में थॉट्स प्रोड्यूस करता है, सर्कल कॉन्सेंट्रिक सर्कल प्रोड्यूस करता है, उसका भी ओपन ही रहता है क्योंकि वो कुछ हादसे, कुछ फंक्शन, कुछ सिचुएशन 2 दिन 3 दिन 10 दिन 1 महीना बस, फिर उसके बाद अपने आप फेड अप हो जाता है, अपने आप फेडिंग हो जाता है और निकल जाएगा, गायब हो जाता है क्योंकि उसको रिप्लेस करता है दूसरा थॉट। इसी तरह होता है। अब ये कब नेगेटिविटी में चेंज होता है, ये कब डिप्रेशन का फॉर्म लेता है, ये हम बताते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आप कोई थॉट को बार बार रिपीट करते हो, जब आपके साथ कोई इंसल्ट हो गया, आपको किसी ने अब्यूज किया, आपके साथ कोई सेक्स अब्यूजमेंट हुआ, आपके साथ कोई ऐसी चीज हुई जिससे आपको ऐसा लगा कि अब आप लायक नहीं रहे हैं, आप मुंह दिखाने लायक नहीं रहे हैं, आप ये समाज के लायक नहीं रहे, कुछ ना कुछ अपने आप को लो डाउन बता रहे हो, राइट, तब ये थॉट्स बार बार रिपीट होता है। जब आप ये थॉट्स को बार बार रिपीट करते हो तब आपका माइंड ये सोच लेता है कि ये जो थॉट है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, दिस वॉज क्रिएटेड बाय यू, नॉट बाय द माइंड, बिकॉज माइंड जज दैट दिस थॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू आर थिंकिंग नाउ एंड देन। और ये क्या हुआ कि आपका वो नेगेटिव वाला थॉट यहां से माइंड ने क्लोज कर दिया, देयर इज नो ओपन स्पेस, और आप इस कॉन्सेंट्रिक सर्कल में, इस माया जाल में फंस गए। ये आपको आइसोलेट करेगा दुनिया से, ये आपको बिल्कुल अकेला बना देगा, किसी के एडवाइस के पास लेने जाने देगा, एक्सेप्ट करने नहीं देगा, आपको सिर्फ इसी माहौल में रखेगा। ये है डिप्रेशन। दोस्तों ये बहुत खराब सिचुएशन, और ये सिचुएशन को क्रिएट किसने किया? आपने किया दोस्तों, आपने इसे रिपीट करके आपने ये सिचुएशन क्रिएट किया है, क्योंकि जैसे आप रमेश नहीं बने, आप सरेंडर हो गए, और आप सरेंडर होके आप इस चंगुल में फंस गए हैं। अब इसमें से बाहर कैसे निकलना है वो हम आपको बताएंगे, इस माहौल से, इस कॉन्सेंट्रिक क्लोज सर्कल को भी हम तोड़ सकते हैं अगर आप में वो विल पावर है, अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपने थॉट्स पे कंट्रोल कर सकते हैं, तो इस सर्कल को भी हम तोड़ के दिखाएंगे। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों इसका सबसे बड़ा उदाहरण रहेगा दशरथ मांझी, द माउंटेन मैन। यस,
वो लेबर जिसके सामने पूरी दुनिया लुक जाती है, उसका एक न एक सहारा उसकी वाइफ उसके सामने दम तोड़ देती है। वो इसलिए दम तोड़ती है क्योंकि वो उसे अस्पताल ले नहीं जा पा रहा था। उसके गांव और अस्पताल के बीच में एक बहुत बड़ा माउंटेन, एक बहुत बड़ा पहाड़ आ जाने के वजह से 55 किलोमीटर का डिस्टेंस हो गया था और उसकी वाइफ रास्ते में ही दम तोड़ देती है। ये जो सिचुएशन है ये बहुत ही खराब सिचुएशन था। आप इसे डिप्रेशन कीजिए या कोई भी नाम दे सकते हो, राइट। दशरथ सब कुछ खो चुका था, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, यू हैव टू ऑप्शन, आइदर यू सरेंडर आइदर यू स्ट्रगल। दशरथ ने भी स्ट्रगल वाला ऑप्शन लिया। उसने हाथ में हथौड़ा उठाया और चल पड़ा उस माउंटेन को, और उसने उस माउंटेन को तोड़ डाला। उस माउंटेन को उसने तोड़ के एक अच्छा रास्ता बनाया। 55 किलोमीटर को उसने 15 किलोमीटर में कन्वर्ट किया। दोस्तों, 55 को 15 किलोमीटर में कन्वर्ट करके दिखाया, ये है स्ट्रगल, राइट। एज आई यूज टू से इन माई कोट, लाइफ इज नॉट मेंट फॉर वन पर्सन, वन थिंग, वन डेस्टिनेशन। यू जस्ट कीप ऑन चेंजिंग, जस्ट कीप ऑन मूविंग। अ लाइफ इज अ प्रेशियस गिफ्ट गिवन बाय गॉड टू यू एंड यू हैव नो राइट टू रिटर्न इट। दोस्तों, नाउ लेट्स डिस्कस रेमेडीज। रेमेडी नंबर वन, शेयरिंग विथ योर क्लोज फ्रेंड्स। हर रमेश का एक दो कमीना फ्रेंड्स तो होता ही है। आपके पास भी एक दो कमीने फ्रेंड्स होंगे, राइट। कभी भी कुछ भी हो जाए, शेयर करो उन लोगों से, उनके पास सब कुछ बताओ। आपको सजेशन मिले या ना मिले, शेयरिंग करने से आपका जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल ओपन रहेगा। दिस इज द बेस्ट थिंग। व्हाई आई एम टेलिंग दिस, बिकॉज ये जो डिप्रेशन नाम का चीज है, ये कब होता है? जब आपके बॉडी में मूड केमिकल्स काम करना बंद कर देते हैं, तो उनको एक्टिवेट करना जरूरी है। और ये पांचों रेमेडीज आपके वो मूड केमिकल्स को एक्टिवेट करेगा। तो फर्स्ट वन इज शेयरिंग विथ योर क्लोज फ्रेंड। और दोस्तों, मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा, अपने मोबाइल में जो दो तीन आपके कमीने फ्रेंड्स हैं उनको फोन लगाइए, हाय हेलो कीजिए। ये लॉकडाउन के सिचुएशन में शायद वो किसी कॉन्सेंट्रिक सर्कल में फंसा हो, उसे बाहर निकालने का आपका एक अच्छा मौका है। आपका एक क्लोज फ्रेंड इस सर्कल से बच सकता है, तो प्लीज कॉल हिम। कीप ऑन कॉलिंग योर फ्रेंड्स, कीप इन टच विथ योर फ्रेंड्स। रेमेडी नंबर टू इज मेडिटेशन। मेडिटेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिटेशन आर देयर। जैसे मैंने मेरे पहले वीडियो में बताया है, स्लीपिंग इज ऑल्सो ए मेडिटेशन, बिकॉज योर अनकॉन्शियस माइंड जस्ट डज द मेडिटेशन वर्क, राइट। योर थॉट्स कीप ऑन मूविंग इन वाइल स्लीपिंग, यस। तो स्लीपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका 8 घंटा सोना बहुत जरूरी है, अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, आप कोई ऐसे स्थान जाइए, कोई भी होली प्लेस, मंदिर, मस्जिद, चर्च, कहीं भी जाके 10 मिनट रोज बैठिए, या तो अपने घर में जो मंदिर है वहां बैठिए। ये भी एक टाइप का मेडिटेशन है। यहाँ पॉजिटिव सर्कल आपके इस नेगेटिव कॉन्सेंट्रिक सर्कल को ओपन करेगा, आपके माइंड में आपके केमिकल्स को एक्टिवेट करेगा। एंड थर्ड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज योगा मेडिटेशन। फ्रेंड्स, आई विल रिक्वेस्ट यू टू डू मिनिमम 20 मिनट्स मेडिटेशन। द मेडिटेशन इज द बेस्ट वे टू एक्टिवेट योर केमिकल मोड्स एंड इट वर्क्स, ओके। सो प्लीज फॉलो इट। रेमेडी नंबर थ्री, नेवर बी अलोन। कभी अकेले मत रहिए। अकेले रहोगे तो इस चंगुल में फंस जाओगे, अकेले रहोगे तो ये सर्कल की तरह आप भी घूमते रहोगे,
और ये सर्कल आपको दूर ले जाएगा लोगों से। आप कोशिश करो आपके फैमिली मेंबर्स के बीच में बैठे हो, आप कोशिश करो आपके फ्रेंड्स के साथ खड़े हो, आप कोशिश करो भीड़ों के बीच में हो आप, और दिस वे यू कैन कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। रेमेडी नंबर 4, आपको जो काम पसंद है, आपका जो पैशनेट वर्क है उसमें खो जाओ, क्योंकि जो पैशन होता है उसमें कभी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होता है, आपका इन्वॉल्वमेंट रहेगा, एंड दिस वे यू विल कम आउट ऑफ दिस सर्कल। यू कैन ऑल्सो इवन स्पेंड योर टाइम विद योर पेट्स, द बेस्ट वे ऑफ कीपिंग हैप्पी योर सेल्फ। ये जो मूड वाले केमिकल्स हैं अपने आप एक्टिवेट हो जाते हैं और आप फिर से हैप्पी हो जाओगे। रेमेडी नंबर 5 इज डिटैचमेंट। हमारा जो मन है ना वो बहुत चंचल होता है, हमारा मन बहुत चंचल होता है, वो एक छोटे बच्चे की तरह है। अगर आप एक बच्चे को मेले में ले जाओ ना तो उसका हाथ देखना हर चीज पे जाएगा और वो हर चीज को लेके देने को कहेगा, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते, आप सब चीज लेके नहीं दे सकते, कुछ चीजों के लिए आप उसके साथ स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। यस, यू नीड टू बी स्ट्रिक्ट विद देम आल्सो, राइट। यही चीज हमारे मन के साथ भी होता है, हमारा मन भी इसी तरह चंचल है, हर चीज को पाने की कोशिश करता है। आपको कंट्रोल करना है अपने मन को, आपको कंट्रोल करना है अपने माइंड को। दिस इज कॉल्ड माइंड कंट्रोलिंग एंड इट्स बेस्ट वे, इट इज सेड इन गीता बाय लॉर्ड श्री कृष्णा टू अर्जुना। दोस्तों, तो ये थे हमारे रेमेडीज। मैं कुछ और ऐड करना चाहता हूं। ये जो डिप्रेशन, ये स्ट्रेस, ऑब्सेशन, एंग्जाइटी, दिस ऑल वर्ड्स आर नथिंग बट कम्स फ्रॉम इनर वे, इट इज दे आर क्रिएटेड बाय आवर सेल्फ। तो वी नीड टू कंट्रोल, वी नीड टू लर्न हाउ टू कंट्रोल देम। इन लोगों को, ये चारों को अगर आपने ओवर पावर करने दिया तो आपको किसी डॉक्टर को मिलने जाना पड़ेगा। स्टीरॉइड्स, नींद की गोलियां, ये सब में आपको जाना है। इससे तो अच्छा ये रेमेडीज को फॉलो करो और आप इस चंगुल से बाहर आ सकते हो, आप फिर से हैप्पी बन सकते हो। सो फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वो सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कीजिए, सो दैट यू रिसीव द नेट नोटिफिकेशन ऑफ आवर नेक्स्ट वीडियो। सो कीप वॉचिंग, बाय टिल द नेक्स्ट संडे, हैव अ गुड डे।